फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, थ्री ऑफ सिक्स वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर चूजन एट रैंडम, छह में से तीन वर्टेक्स लिए जा रहे हैं किसके, रेगुलर हेक्सागन के। द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल विथ थ्री वर्टिसेस इज इक्विलेटरल, ठीक है। अच्छा, छह वर्टिसेस है इक्विलेटरल के, छह में से आपने तीन ले लिया तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस 63। फेवरेबल केसेस क्या होंगे, अब जो हमें बनाना है क्या इक्विलेटर ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटर ये हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये होते हैं 120, कितने होते हैं 120। और इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए कितना एंगल चाहिए होता है 60 डिग्री, मतलब कोई जो आपको ट्रायंगल चाहिए उसमें कोई भी एडजेसेंट साइड्स नहीं हो सकती, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स के बीच एंगल कितना होता है 120, हमें कितना चाहिए 60, ठीक है। देखिए मैं 60 बना के दिखाता हूं, एक इक्विलेटर एंगल, ये और ये, देखिए ये जो ट्रायंगल बना है इन तीनों की लेंथ इक्वल है, क्यों, देखो 120 एंगल इक्वल इक्वल साइड, 120 एंगल इक्वल इक्वल साइड, 120 एंगल इक्वल इक्वल साइड, मतलब तीनों लेंथ क्या हो गई इक्वल। तो एक ट्रायंगल तो ये दिख गया, एक ट्रायंगल इसको ऐसे घुमा दीजिए तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, देखिए ये केवल दो ट्रायंगल बन रहे होंगे, एक रेड वाला और एक ऐसे घुमा दिया तो ये ब्लू वाला अंदर जो बना है, ठीक है। तो दो ही केवल इक्वल ट्रायंगल बनेंगे, यानी फेवरेबल केस कितने होंगे, 2 upon 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial, इससे सब कैंसिल करो भाई, 6 से 6 किया 120, 2 by 20, 2 से सब कैंसिल किया 1 by 10, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 1 by 10, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ फ्रॉम ईच ऑफ थ्री बॉक्सेस कंटेनिंग 3 white 1 black, एक बॉक्स है जिसमें कितना है भाई 3 white है और 1 black है, दूसरा बॉक्स है जिसमें क्या है 2 white 2 black है, तीसरा बॉक्स है जिसमें 1 white और 3 black है, ओके। उसके बाद वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्सेस, हर एक बॉक्स से एक एक बॉल निकाली जा रही है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 white and 1 black बॉल विल बी ड्रॉन, हर एक से एक ही बॉल निकाल रहा है, प्रोबेबिलिटीज बताते हैं कि 2 white और 1 black निकला, देखो आप ऐसे बोलेंगे इससे व्हाइट निकले, इससे व्हाइट निकले, इससे ब्लैक निकले, या इससे व्हाइट, इससे ब्लैक, इससे व्हाइट, या इससे ब्लैक, इससे व्हाइट, इससे व्हाइट, ये तो कंडीशन बन सकती है, 2 white 1 black, 2 white 1 black, 2 white 1 black। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले से एक व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या, व्हाइट कितने इसमें 3, तो 3c1 upon overall 4c1, और फिर यानी मल्टीप्लिकेशन, इससे व्हाइट निकालने के लिए कितने से व्हाइट है 2, 2c1 upon 4c1, इसके अलावा इससे ब्लैक निकालना, ब्लैक कितने 3, 3c1 upon 4c1, इस तरह से इस कंडीशन में इससे व्हाइट निकालना, व्हाइट कितने इसमें 3, 3c1 upon 4c1 into, इससे ब्लैक निकालना, ब्लैक कितने इसमें 2, 2c1 upon 4c1 into, इससे व्हाइट निकालना, व्हाइट इसमें कितने 1, 1c1 upon 4c1। अब ये तीसरी कंडीशन, इससे ब्लैक निकाला, ब्लैक इसमें कितने है भाई 1 है, 1c1 upon 4c1 into, इससे क्या निकालना है व्हाइट, इससे व्हाइट है 2, 2c1 upon 2c 4c1, और फिर इससे अपने को क्या निकालना व्हाइट, 1 व्हाइट है, 1c1 upon 4c1। जरा कैलकुलेट करो भाई कितना आ रहा, या 3 by 4, 2 by 4 और ये 3 by 4, इसमें 3 by 4, 2 by 4, 1 by 4, और ये कितना आया भाई 1 by 4 into 2 by 4 into 1 by 4, इन सब का हम क्या करेंगे एडिशन, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, एडिशन करो भाई तीनों में एलसीएम आएगा 4 4 4, 9 18 18 plus 6 plus 2, यानी कितना हो गया 26, 26 by 4 into 4 into 4, 2 से कैंसिल किया 2 और ये 13, ऊपर बचा 13, 16 दूनी 32, 32, हमारा आंसर कितना हो गया 13 by 32, ठीक है चलाए। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर number बी अरेंज एट रैंडम, सबको एक साथ पूरे नंबर वर्ड को एक साथ अरेंज किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा साइन नंबर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6,
अगर सब एक साथ अरेंज होंगे तो कितने फैक्टोरियल से अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल्स। ठीक है, अब चलिए पहला पार्ट, वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स कौन कौन है भाई? यू और ई, ये दोनों एक साथ, यू ई, हाँ ये दोनों एक साथ हो गए, बाकी कौन बचा? एन एम बी आर। तो नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5। ये अरेंज कैसे होंगे? 5 फैक्टोरियल से। ये दोनों भी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, और वाला अरेंजमेंट कितना है? 6 फैक्टोरियल। ये इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 1/3। ठीक है, अब दूसरा, वॉवेल्स डज नॉट टुगेदर। ठीक है, अब देखो एक साथ है तो कितना नहीं होगा, तो कितना होगा? 1 - 1/3 यानी 2/3। ऐसे कर लो, या भाई बाकी नंबर को अरेंज कर दिया एन एम बी आर, ये अरेंज हो गए कैसे? 4 फैक्टोरियल से। इनके बीच जगह निकालो 1 2 3 4 5, वो यू और ई के लिए रख दीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई दो जगह ली यू और ई के लिए, उन दोनों को अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल से, और नीचे 6 फैक्टोरियल। जरा से कैलकुलेट करते हैं, यह जाएगा 10, यह जाएगा 2, 4 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 2, यह कितना है? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे सो कैंसिल किया 2, इससे सो कैंसिल किया 3, यानी कितना आ गया? 2/3। ओके, क्या बोला गया भाई? देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स आए। मत देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर की पोजीशन है, एक जगह एन है एक जगह आर है, तो बीच में 2, या तो ऐसे हो, तो इन दोनों जगह पर एन और आर को अरेंज किया 2 फैक्टोरियल से, और बाकी 4 लोग अपनी जगह पर अरेंज हो गए 4 फैक्टोरियल से। अब या तो ऐसा हो सकता है एन यहां हो तो आर यहां हो, या दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, और ये बाकी 4 लोग 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, एन अगर यहां है तो आर यहां आ जाए। अब ये दोनों अपने क्वेश्चन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, और बाकी लोग 4 फैक्टोरियल से अपने आप को अरेंज कर देंगे। देखिए सारे केसेस में 2 नंबर पक्का एन और आर के बीच में आएंगे। इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया? 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कितना जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 इंटू 4 यानी 1/5। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा पार्ट क्या कह रहा है? देर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन एन एंड आर, भाई एन और आर के बीच में 4 लेटर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, एन और आर के बीच में 4 आ गया, तो एन और आर को कहां रहना पड़ेगा? सबसे कॉर्नर पर रहना पड़ेगा, तो एन और आर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे 1/2 फैक्टोरियल, बाकी 4 फैक्टोरियल से बाकी नंबर्स 6 फैक्टोरियल, यानी इससे इसको डिवाइड करो भाई कितना आ गया? ये से डिवाइड हुआ तो 2/6 × 5, इससे इसको डिवाइड किया तो 1/50। पांचवा, r इज राइट टू n, r अगर राइट n के राइट में है, मतलब पांचवा 1 2 3 4 5 6, अगर n यहां आ रहा तो r इन पांच में से कोई एक जगह पर आएगा, तो आपको बोला 5 में से एक जगह सेलेक्ट के लिए, किसके लिए? r के लिए, और बाकी लोग बचे 4 लोग 4 फैक्टर से अपने अरेंज रहेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, अगर n यहां है तो r के लिए ये 4 जगह मिलेंगी, 4 में से कोई एक जगह सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर बाकी 4 लोग बचेंगे 4 लोग अरेंज हो जाएंगे, 4 इन 4 में से एक जगह सेलेक्ट की किसके लिए? r के लिए, ताकि n के हमेशा राइट में है। यहां पर 5 जगह थी, 5 में से कोई एक जगह सेलेक्ट की थी मैंने r के लिए, ताकि n के बाद हमेशा r है, मतलब राइट में है r। ठीक है, इस तरह से अगर n यहां है तो r के लिए जगह 1 2 3, इन 3 में से कोई एक जगह लेंगे और फिर उन्हें अरेंज कर देंगे, बाकी बचे हुए 4 लोग 4 फैक्टर से अरेंज कर देंगे। अगर एन कहा है तो आर के लिए 2 जगह 2C1, 4 फैक्टोरियल से बाकी लोग अरेंज होंगे 1 2 3 4 5 6, अगर एन कहा आ गया तो आर के लिए केवल एक जगह होगी 1C1, बाकी 4 लोग अपना 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। इन सब का सम करो भाई, तो सब में 4 फैक्टोरियल कॉमन, ये 5, ये 4, 3 2 1, 3 3 6 4 10 5 15 50। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, यानी कितना हो गया भाई? इससे सो कैंसिल किया तो 15/6 × 5, 5 से कैंसिल किया तो 3/2, या आ गया 1/2। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, ये इसमें क्या है कि n के बाद हमेशा r आ रहा, मतलब ऑर्डर ऑफ n एंड r सेम रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर ऑर्डर सेम रहने वाली बात हो जाए कि इसके बाद ये आया इसके बाद ये आया,
तो आप हमेशा करिए क्या, उनको आइडेंटिकल मान लीजिए, जैसे यहाँ पर एन के बाद हमेशा आर आ रहा है, ठीक है, तो आप उनको क्या मानिए आइडेंटिकल। अगर आप आइडेंटिकल मान लेंगे तो जैसे ओवरऑल छह लोग हैं, छह फैक्टोरियल्स के, अगर एन और आर आइडेंटिकल हो जाएगा तो उसको दो फैक्टर से डिवाइड कर देंगे अपॉन ओवरऑल सिक्स फैक्टोरियल, इससे सो कैंसिल किया, वन बाई टू, वन बाई टू। इसी के देखिए पांचवा छठा थोड़ी देर में करते हैं, सातवां क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ वॉबेस डज नॉट चेंज। अब वॉबेस कितने हैं, यू और ई, इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो, इन दोनों क्या मान लो बेटा आइडेंटिकल। अगर आप आइडेंटिकल मान लेंगे तो ओवरऑल छह फैक्टोरियल से दो फैक्टर, तो यू और ई आइडेंटिकल मान लिया। अगर आपने आइडेंटिकल मानेंगे तो मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल मानने पर आपने उन दोनों के सफलिंग को रोक दिया है, ठीक है, ओवरऑल जितने भी अरेंजमेंट थे उनमें यू और ई के सफलिंग को आपने रोक दिया, कैसे, दो फैक्टर से डिवाइड करके, ओके, अपॉन सिक्स फैक्टर निकलता आ गया वन बाई टू। आर इज जस्ट राइट टू इन, आर कैसा है, जस्ट राइट है, मतलब एन अगर इधर है तो आर जस्ट इससे सटा हुआ है, इनमें मूवमेंट भी नहीं हो रही है। बाकी कितने बचेंगे, यू बचेगा, एम बचेगा, बी बचेगा, और यू बचेगा, एम बचेगा, बी बचेगा, ई बचेगा, ठीक है। तो एक ये ओवर एन हमेशा आर के राइट में, अब ये इधर आ जाए, कहीं भी आ जाए, एक दो तीन चार पांच फाइव फैक्टोरियल, इन दोनों को अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों को अरेंज करेंगे तो ये इधर भी आ जाएगा, इसको बस ऐसे बॉन्ड कर दिया, फाइव फैक्टोरियल अपॉन टोटल सिक्स फैक्टोरियल, कितना आ गया, वन बाई सिक्स। क्वेश्चन है, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, एक से लगा करके 100 नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स से हम लोग तीन नंबर चूज कर रहे हैं, ठीक है, देन अच्छा 100 नेचुरल नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, 100C3, 100 नेचुरल नंबर्स में से तीन नंबर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद देन द प्रोबेबिलिटी बाय दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर डिविजिबल बाय टू, बोथ टू एंड थ्री। अब कोई दो से डिविजिबल हो, तीन से डिविजिबल हो, मतलब छह से डिविजिबल, अब बताइए छह से डिविजिबल मतलब छह हो सकता है, बारह हो सकता है, अठारह हो सकता है, चौबीस हो सकता है, अच्छा कहां तक जा सकता है, 100 से कम 96 तक जा सकता है। अच्छा इसको गिरो भाई कितने आएंगे, ये नंबर किसमें है, एपी में है, जिसका लास्ट नंबर है 96, हमने मान लिया कैनेट टर्म 96 है, फर्स्ट टर्म 6, कॉमन डिफरेंस में 6, तो ए प्लस एन माइनस वन डी 6, छह माइनस छह से प्लस छह गया, ये सिक्स एन से सिक्स एन, और ये 96 छह से डिवाइड किया, एन इज इक्वल टू कितना आ गया 16, यानी 16 नंबर है। इन 16 में से अगर मैंने कोई भी तीन ले लिया तो हर एक नंबर दो से डिविजिबल होगा, तीन से डिविजिबल होगा, मतलब 16C3। इसको जरा कैलकुलेट करिए, आंसर आएगा 4/1155, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ इंटीजर्स m एंड n आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 1 to 100, m और n की वैल्यू 1 से लेकर के 100 के बीच में इंटीजर है, ओके, देन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर द फॉर्म 7 to the power m, 7 to the power n इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा देखो, अगर हमने m और n के लिए 100, भाई 1 से लगा कर 100 इंटीजर है, अगर सैंपल स्पेस की बात करें, सैंपल स्पेस क्या होगा भाई, m के लिए हमने 100 में से कोई एक ले लिया 1 to 100 में से, और n के लिए भी 100 में से कोई एक ले लिया, ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब उसके बाद ये 7 to the power m और 7 to the power n डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या तो 5। हम देखते हैं कि 7 की पावर एक ही करके, कि 7 की पावर अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो एक्चुअली में इनके लास्ट डिजिट आता कितना है, इसका लास्ट डिजिट कितना आता है, तभी तो उनको ऐड करेंगे तो देखेंगे कब 0 बन रहा है, कब 5 बन रहा है, ठीक है। तो देखिए 7 की पावर अगर 1 करे तो कितना आएगा 7, 7 की पावर अगर 2 करे तो 49, यानी आखिरी आइटम हो गया 7, 7 की पावर 3 करे तो यार देखो 7 इस 7 के स्क्वायर में फिर से 7 पे मल्टीप्लाई कर दिए, 7 into 9 63, और आगे कुछ आया होगा 63, आखिर में 3 आया होगा, ठीक है। अच्छा 7 की पावर 4, 7 की पावर 3 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 into 3 21, यानी आखिर में 1 आया, और फिर ये अब फिर से ये चीज रिपीट हो जाएगी, फिर 7 की पावर 4 कितना आएगा, 7 की 5 कितना आएगा, आप कहेंगे 7 की पावर 4 में 7 मल्टीप्लाई कर दो तो आखिरी डिजिट 7, फिर 7 की पावर 6 में 7 की पावर 5 में अगर 7 को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, 749, यानी 9 आखिरी में, और बाकी इस तरह से 7 की पावर 7 में आखिरी में, भाई इसको 7 से मल्टीप्लाई करो पूरे को तो 7 की पावर 7 हो जाएगा, 7 into 9 63, यानी आखिरी में 3 आ जाएगा,
इस तरह से 7 की पावर 8 भी कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करो इसमें 7 की पावर 7 में, तो 7 की पावर 8 आ जाएगा और आखिरी में 20, 7 3 21, एक बचा बाकी कुछ आया होगा। यानी देखिए आखिरी का डिजिट या तो 7 है या 9 है या 3 है या 1 है, यही चार होंगे बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा 7 कितनी बार आया होगा, 7 कितनी बार होगा भाई, ओवरऑल नंबर 1 से लगा अगर 100 तक ले रहे हैं तो 7 कितनी बार होगा, 25 बार। 9 कितनी बार होगा, 25 बार। 3 कितनी बार होगा आखिरी में, 25 बार। और 1 कितनी बार होगा आखिरी में, 25 बार। सब कुछ 25-25 बार आया होगा। तो देखिए हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट लेते हैं, एम के लिए अगर हमने 7 लिया, कोई भी नंबर ऐसा उठा जिसका आखिरी में 7 आता है, तो एन के लिए कौन सा ऐसा नंबर उठाओगे ताकि एडिशन 0 या 5 बन जाए आखिरी में। तो आपको कोई 5 तो कभी नहीं बनेगा, तीनों से कोई भी एक ऐड कर दो, चाहे इसी को भी ऐड कर दो तो क्या बनेगा, नहीं। इससे 3 वाले से ऐड होकर कितना बनेगा, 10। और 10 अगर बन गया मतलब आखिरी में 0 आ गया, आखिरी में 0 आ गया तो 5 से डिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 उठाया मतलब हमने एम के लिए कोई भी एक नंबर चूज किया, और अगर वो आखिरी में 9 ले रहा होता है, तो 9 ले रहा तो उसको उसके लिए 7 की पावर एन वाला को कौन सा नंबर लोगे जो आखिरी में 1 दे रहा हो, और कितने 1 दे रहे होंगे, 25 1 दे रहे होंगे। अगर हमने 3 लिया एक 7 एम के लिए, कोई नंबर ऐसा उठाया जिसमें 7 की पावर एम आखिरी में 3 दे रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई एन के लिए कौन सा नंबर उठाएंगे, वो नंबर उठाएंगे कौन सा जिसमें आखिरी में 7 आ रहा हो। कितने लोग ऐसे होंगे जिसमें आखिरी में 7 आ रहा होगा, 25 लोग। अगर हमने कोई नंबर ऐसा उठाया 7 की पावर एम के लिए जिसमें आखिरी में 1 आ रहा है, तो 1 के लिए अब 7 की पावर एम एन का कौन सा ऐसा उठाएंगे ताकि एडिशन 0 से 5 से डिविजन हो जाए, यानी सम 0 आ जाए, तो आपको 9 वो वाला उठाएंगे जिसमें आखिरी में 9 आ रहा हो। अच्छा कितने 9 होंगे, 25 9 होंगे। यानी देखिए अगर आपने कहा कि मैंने एम के लिए कोई भी एक नंबर उठाया तो इन चारों में से कोई आया होगा भाई, आना तो ही है। अच्छा चारों में से कोई अगर मान लो 7 आया होगा तो एम के लिए कौन सा उठाओगे, वो वाला जो 3 रख रहा होगा, 3 कितने रख रहा होगा, 25। अगर एम अगर ये 9 वाला लिया होगा भाई, इसमें 9 वाला लिया होगा तो 9 वाले के लिए एन वाला कौन सा लेंगे इसमें आखिरी में 1 आ रहा होगा, 1 कितने में आ रहा होगा, 25 में। यानी ये हो गया हमारा फेवरेबल केस। टोटल केस कितना था, 100C1 100C1, इससे 100 कैंसिल, 25 और ये 100 25 को डिवाइड किया 1/4। ओके क्वेश्चन है, 3 डाइस आर थ्रो, ठीक है 3 डाइस को थ्रो किया जा रहा, द नंबर अपीयरिंग ऑन देम आर रिस्पेक्टिवली ए बी सी। नंबर तो 1-6 आएगा, लेकिन उन्होंने बोला पहले डाई पे मान लिया ए आया, दूसरे पर बी और तीसरे पर सी, मतलब ए बी सी तीनों कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 में से कोई वैल्यू ले रहे होंगे, ठीक है। What is the chance that roots of the quadratic equation this are real? अब real roots की condition क्या होती है कि d should be greater than equal to 0, यानी d square minus 4ac is greater equal to 0, ठीक है। इसको उठा के इधर भेजा, ठीक है, और हमने 4 से divide कर दिया, कितना हो गया b square by 4 is greater equal to ac। अब देखते हैं, हमने रखा एक बार value b देखा और फिर b वैल्यू रखी और फिर b square by 4 निकाला, फिर पॉसिबल वैल्यू ऑफ ac देखते हैं, क्योंकि ac कैसा है, b square by 4 से छोटा है या बराबर है, उसके बाद देखते हैं कि a और c में कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं b के अलग अलग वैल्यूज के लिए, ठीक है। जितने ऑर्डर पेयर बन पाएंगे उतने ही हमारे वो सारी क्वेश्चन हो जाएंगे जितने जो कि रियल रूट्स दे रहे होंगे। देखिए दिखाते हैं, अगर हमने b की वैल्यू 1 ली तो b square by 4 यानी 1/4 यानी 0.25। अच्छा a और c अगर मिनिमम भी ले तो कितने 1 1, तो ये 1 into 1 1, वो तो इससे बड़ा ही आएगा, छोटा तो आ नहीं सकता, तो b square by 4 के ac से बड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई वैल्यू आप नहीं ले सकते, यानी कोई भी पेयर नहीं बन सकता। दैट मीन्स अगर b आपने 1 लिया तो a c कुछ भी ले लो रियल रूट नहीं बनेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अच्छा 2 लिया तो 2 का स्क्वायर बाई 4 यानी 1। अब एसी की भाई इससे एसी कैसा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए बराबर, इससे छोटा तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है 1, और एसी 1 कब होगा जब ए और सी दोनों कितने हो जाए 1 1, ठीक है। यानी अगर आप बी 2 ले रहे हैं तो सी और ए को 1 1 लीजिए, तभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आएंगे। अच्छा अब बी के लिए अगर आपने 3 ली तो 3 स्क्वायर बाई 4 यानी 9/4 यानी 2.25। अब AC की वैल्यू इससे छोटी है बराबर, तो 1 हो सकती है 2 हो सकती है, 1 कब होगा 1.1 पर, 2 कब होगा 2.1 या 1.2 पर, ठीक है। यानी ये 3 पेयर बनेंगे, यानी अगर B के लिए 3 रखोगे तो ये 3 पेयर बनेंगे जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट दे रही होगी। 4 रखा तो 4 का स्क्वायर बाय 4
यानी 4। अब इसकी ए सी की वैल्यू इससे छोटी या बराबर, तो छोटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो 1 कब होगा 1,1 पर, 2 कब होगा 2,1 1,2 पर, 3 3,1 1,3, 4 कब 4,1 1,4 या 2,2। ठीक है। अच्छा उसके बाद 5 का स्क्वायर 25/4 यानी कितना बनेगा भाई 25/4 6.25। ठीक है, यानी ए और सी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, इससे छोटी या बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 बनेगा 1,1 पर, 2 बनेगा 2,1 1,2 पर, 3 3,1 1,3 4 4,1 1,4 2,2 पर, 5 5,1 1,5 6 का बनेगा 6,1 1,6 3,2 2,3 ये सारे अरेंजमेंट बन पाएगा। अच्छा इसी तरह से अगर हमने 6 लिया तो 6 का स्क्वायर बाय 4 यानी 9, यानी ए सी क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 7 यार ए सी कुछ भी ले लो क्या 7 बन पाएगा, नहीं 8 बन सकता है 9 बन सकता है। ठीक है, 1 कैसे बनेगा भाई, जब ए सी कैसा होगा 1,1 2, 2,1 देखिए 6 तक तो पहले निकाल चुके हैं ये सारे अरेंजमेंट, ये ऊपर वाला यहां से आता है 6 तक, अब 8 और 9 के लिए और इसी में एड ऑन कर लेते हैं, इसी में एड ऑन कर लेते हैं, ऊपर वाला जितने हैं उतने और प्लस 8 के लिए, 8 कब बनेगा 4,2 2,4 बस 8, इसके अलावा और कभी नहीं बनेगा। अच्छा इसके अलावा 9 बनेगा 3,3 अब यार 8 ऐसे तो ना बताओ 8,1 8 कभी आएगा ही नहीं, एबीसी कैसे 1 टू 6 के बीच में ही रहेंगे, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, जोड़ते हैं कितना बनेगा भाई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यही चीज 14 यहां पर भी आएगा और प्लस 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 यानी अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस आ रहे हैं अपने 43 पर, टोटल केस 6 × 6 × 6 6 की पावर 3 43/6। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब ये जो केसेस है वो इन फॉर्म ऑफ नंबर भी हो सकता है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है कि भाई फेवरेबल नंबर इतने है, टोटल नंबर इतने है, रेशियो निकाल दिया। अब ये फेवरेबल केसेस में फेवरेबल नंबर की जगह फेवरेबल लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, तो लेंथ वाइज अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, या वॉल्यूम वाइज बात कर सकते हैं तो फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, तो वो डिपेंड करता है किस तरह से सिचुएशन दी गई है, फेवरेबल डेंसिटी अपॉन टोटल डेंसिटी, कुछ इस तरह से बात भी करी जा सकती है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें समझाता हूँ आपको कि इसमें आएगा फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ और इसमें आएगा फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया का केस। ठीक है, देखिए इफ के इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटरवल 0 से 5। ठीक है, के है वो 0 से 5 के बीच का है। अच्छा 0 से 5 के बीच कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है ना, यहाँ पर नंबर अगर काउंट करने बैठे तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा, लेकिन लेंथ कितनी होगी 0 से 5 तक 5। ठीक है, 0 से 5 तक कितनी लेंथ होगी 5। ओके, 0 से 1 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 लेंथ हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स, इस इक्वेशन का अगर रियल रूट्स है तो डी कैसा होगा इसका, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कराओ भाई, केस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 ए इज 1 सी इज 1/4 के प्लस 2 4 से 4 गया कितना बचेगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इसको लिखा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0 जरा फैक्टराइज करो भाई तो कितना जाएगा k माइनस 2 इसमें से k कॉमन लिया इसमें से 1 कॉमन लिया k प्लस 1 यानी k की वैल्यू कैसे आ जाएगी माइनस 1 से कम और बराबर और 2 से ज्यादा और बराबर भाई वे कर सकिए ना ये माइनस 1 पर 0 होगा और ये 2 पर 0 होगा वे भी कर ऐसे आया ऐसे कट कर चला गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर देखेंगे यानी कितना माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 देन 2 से इनफिनिटी लेकिन हमें लेना कहां से कहा था कि 0 से 5 0 से 5 के बीच में
ये हमारा रीजन दिया गया है। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो देखिए फेवरेबल लेंथ कितनी आएगी, दो से लगा करके पांच तक, ये हमारा फेवरेबल लेंथ होगा या फेवरेबल इंटरवल होगा, इंटरवल इन फॉर्म ऑफ लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, थ्री, एंड टोटल लेंथ इज जीरो से फाइव जो हमें दी गई थी पांच, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, थ्री बाय फाइव। अब दूसरा क्वेश्चन है, टू नंबर्स एक्स बिलोंग्स टू जीरो से फोर एंड वाई बिलोंग्स टू जीरो से फोर, ठीक है, आर सेलेक्ट, अब यहां पर दो नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, देन भाई एक्स जीरो से फोर एंड वाई जीरो से फोर, ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर सेटिस्फाइंग वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला ये बना लिया हमने, अब हमें देख रहे हैं कि हमारा फेवरेबल, हमारा जो इंटरवल दिया गया वो ये इंटरवल दिया, इसमें ऐसा लेना है इन्हीं दोनों में से पॉइंट लेना है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, मतलब ये वाली इक्वेशन बोले तो y स्क्वायर इक्वल टू x, यानी ये वाला पोर्शन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू रूट x, कोई भी आप पॉइंट लो तो ऐसा होना चाहिए वो इसके अंदर होना चाहिए, ये पहला केस, तो भाई जो हमें पॉइंट ले रहे हैं x इतना होना चाहिए y इतना, मतलब जो भी पॉइंट लेंगे उसके बीच में, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो इसके अंदर आ जाए, इस पैराबोला के अंदर आ जाए, तो मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये आपको, अब यहां पर आप पॉइंट नहीं दे सकते, पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, अब लेंथ में नहीं काउंट कर सकते, यहां पर आपको एरिया, एक पूरा एरिया दिख रहा है, ये एरिया लेना होगा, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया इज जीरो से फोर, जीरो से फोर इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा भाई, फोर इंटू फोर। अच्छा ये जो पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा भाई, इसको इंटीग्रेट कर दो रूट एक्स डी एक्स, भाई इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, जीरो से फोर तक, तो कितना जाएगा, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, जीरो से फोर, फोर रखेंगे तो फोर का स्क्वायर रूट टू, टू का क्यूब यानी एट, आठ दूनी आठ आ गया ये, ठीक है, एट इंटू टू सिक्सटीन बाई थ्री, जीरो रखने पर जीरो अपॉन सिक्सटीन, सिक्सटीन से सिक्सटीन क्या, कितना आ गया वन बाई थ्री। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, एन इलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी टू रूट टू बाई थ्री, यानी इसेंट्रिसिटी याद है सबको कितनी होती है, अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा एट बाई नाइन इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये उठ के इधर आया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये उठ के इधर वन माइनस एट बाई नाइन यानी वन बाई नाइन, यानी बी बाई ए कितना जाएगा वन बाई थ्री, यानी आप बोल सकते हैं एक ए बराबर बी बराबर कितना होगा ए बाई थ्री, ए बाई थ्री। उसके बाद इज एन इलिप्स ऑफ इसेंट्रिसिटी, दिस इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर बना हुआ, सर्कल के अंदर इलिप्स बना हुआ है, ठीक है, अ पॉइंट विद इन द सर्कल इज चूजन एट रैंडम, सर्कल के अंदर से एक पॉइंट लिया, ठीक है, तो सर्कल के अंदर से पॉइंट लिया तो सर्कल ये पूरा है, कोई पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर लाइज आउटसाइड द इलिप्स, अब ले रहे सर्कल के अंदर से और इलिप्स के आउट में अलाइन करना चाहिए, मतलब ऐसा ये वाला इंटरवल में अलाइन करें, ठीक है, तो ये रीजन मतलब कौन सा, इस सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला इलिप्स का एरिया हटा दे तो बात बन जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, अच्छा फेवरेबल एरिया सर्कल का एरिया माइनस इलिप्स का एरिया, इलिप्स का एरिया कितना होता है पाई ए बी अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना सर्कल का एरिया यानी पाई ए स्क्वायर, ये से डिवाइड हुआ कितना हो गया वन माइनस, ये से डिवाइड हुआ पाई से पाई गया, ए से ए गया, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए कितना है वन बाय थ्री, यानी वन माइनस वन बाय थ्री यानी टू बाय थ्री। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो तो जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, बाय बाय।